इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर कुछ भी डीयू के एडमिशन की पहली लिस्ट की। एंड दिस विल बी अ वेरी प्रिसाइज लाइन टू स्टेट टू नो द स्टेटस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस और एलएलबी के एडमिशंस के लिए यहाँ पर लिस्ट अब तक नहीं आई है। हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव वॉचिंग द सोशल इंडियन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन में हो रही सारी इरेगुलरिटीज के बारे में, जहां पर हम यहां पर आपके लिए कट ऑफ लिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कब आने की उसकी संभावना है, क्योंकि 2 या 3 नोटिफिकेशन से पहले आ चुकी हैं। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे एडमिशन में और भी इरेगुलरिटीज है, जैसे कि एक जो मुद्दा उठकर आ रहा है वो आ रहा है ईडब्ल्यूएस की सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उन सभी चीजों को हम यहां पर इस वीडियो में देखेंगे। बट बिफोर दिस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी एंड अनअकैडमी इज इंडिया बिगेस्ट एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आपके लिए यहाँ पर एन अकेडमी जो है वो क्लैट की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन लाया है, जहां पर आप एन अकेडमी पर अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्लैट प्लस का, जो आपको आज तक यानी नवंबर तक वो आपके लिए 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। उसमें आपके लिए क्लैट कैसे क्रैक करना है, आपके लिए पूरे लेक्चर्स, वीडियो सेशंस, आपके लिए लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी आप देख सकते हैं, टॉपर इंटरव्यूज देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए वहां पर होंगी देखने के लिए। और गेट ऑन बोर्ड विद अनअकैडमी एंड लेट्स क्रैक इट, सारी डिटेल्स जो मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए जी, बात करते हैं आपके लिए कि एडमिशन लिस्ट आपके लिए यानी पहली कट ऑफ लिस्ट कब आएगी। आप सभी लोगों ने सबसे पहले यहां पर स्कोर कार्ड देखा होगा, जहां पर आपके मार्क्स आ गए थे जी, कितने मार्क्स आपको आए हैं। आप सभी लोग वहां से चिंता करना शुरू कर चुके थे और मुझे लगता है मार्क्स को आए हुए भी यहां पर आपके लिए 15 से 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कट ऑफ लिस्ट का कोई जिक्र नहीं है। फिर लोग कह रहे थे जी यहां पर मेरिट लिस्ट आती है, रैंक वाली लिस्ट आती है, वो तो अभी आई नहीं है इस साल, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। वो लिस्ट भी अब आ चुकी है, उस लिस्ट को आए हुए भी यहां पर आपके लिए 5 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट नहीं आई है। तो लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, मैंने लास्ट जो वीडियो भी बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था एडमिशन कब होंगे, तो मैंने आपको ये कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक जेन्युइन सोर्स को पकड़ कर रखिए, और जब तक उस पर कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं आ जाती कि हाँ जी ये लिस्ट आ गई है नहीं आई है, तब तक आप किसी पर भरोसा मत कीजिए। उस वीडियो पर मैंने कुछ कमेंट भी पढ़े, लोग कह रहे हैं सर आप होमवर्क कर नहीं आए, लिस्ट तो कल आने वाली है, आपको पता नहीं है, ये नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी नॉलेज भी कहीं पर कम रह गई हो, लेकिन आज तक तो लिस्ट आई नहीं है, जो लिस्ट कल आने वाली थी वो। इससे पहले भी 2 बार नोटिफिकेशन आ चुकी है कि यहां पर आपके लिए लिस्ट जो है इस डेट से इस डेट पर आएगी। कुछ लोगों को पेमेंट वाले भी ईमेल आ रहे हैं कि भाई पेमेंट आपको 29 नवंबर से पहले करनी है, तो ये कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रखा है, क्योंकि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की मैं मानूंगा, पूरी तरह से कहूंगा कि थोड़ी सी कोई गलती रह रही है। अब यहां पर कब आएगी लिस्ट, इसको हम आंसर करते हैं जी। देखिए लिस्ट तभी आएगी जब आपके लिए यहाँ पर फैकल्टी से वो अनाउंस होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम ज्यादा दबाव दे देंगे तो आपके लिए लिस्ट कल ही निकल कर आ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए। हाँ चीजें लेट हो रही हैं, शुरू में ही मैंने वही बात की थी, इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप एक एग्जाम दे देते हैं और उस एग्जाम को देने के बाद आप रिजल्ट भी देख लेते हैं, रिजल्ट के बाद आप सिर्फ ये इंतजार कर रहे होते हैं कि पहली कट ऑफ लिस्ट कितने मार्क्स पर लगेगी, और आपके होप्स हैं चांसेस हैं या नहीं है वो सारा का सारा उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर थोड़ा सा दुख तो होता है जी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चीजें जो है वो आपके लिए सही होंगी। अब लिस्ट कब आएगी जी, तो लिस्ट जी आई एम एक्सपेक्टिंग एनी डे सून, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, लिस्ट जो है अचानक आएगी और आपको टाइम जो है थोड़ा कम मिलेगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप सेफ स्कोर से पार जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से रेडी रखिए, कभी भी आपको जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मौका मिल सकता है। अब काउंसलिंग जो है वो यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं है कि अभी तक ऑनलाइन ही होगी पूरी तरह से या ऑफलाइन का भी आपको मौका दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपके लिए ऑनलाइन होने वाली है, लेकिन हो सकता है आपके लिए यहाँ पर जो है वो चांसेस आपको मिले। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर इस वीडियो में बात करनी थी, वो बात करनी थी ईडब्ल्यूएस की सीट्स की। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको पता होगा जब आपके लिए अमेंडमेंट आया था, ये मोदी गवर्नमेंट जब अमेंडमेंट लाई थी आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और 15(6) और 16(6) में आपके लिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन को ऐड किया गया था, तब ये कहा गया था कि यहाँ पर 10% सीट्स जो है वो आपके लिए दी जाएंगी। अब ये 10% सीट्स जो है यहां पर आपके लिए, उसके लिए क्लियर मेंशन कोई नहीं था, तो यहां पर ये आपके लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट होता है कि वो उस रिजर्वेशन पॉलिसी को कैसे देगा। रिजर्वेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कम्युनिटीज फॉर विच द रिजर्वेशन इज गिवन। अब ये जो चीज आपके लिए है, इस बात को अगर हम देखें तो यहां पर आपके लिए स्टेट के डिसीजन होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट है, तो यहां पर क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता उसके बारे में मैं विचार कर रहा था। और यहां पर जो 10% वाले क्राइटेरिया है, तो मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें ये बताया गया था,
वो यहाँ पर अपना एक कंटेंशन रख रहे थे कि वो जो 10% है वो जनरल का 10% है, यानी जो 50% है उसका 10% है, और 5% रिजर्वेशन जो है यहाँ पर वो तो क्लियर नहीं मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। तो जी यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जो 50% रिजर्वेशन हमारे पास पहले है उससे एक्स्ट्रा हमें 10% दिया गया था शायद ईडब्ल्यूएस के लिए। अभी तक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे क्लैरिटी यहाँ तक नहीं मिली है। अदरवाइज आपके लिए कोई ना कोई एक्शन मैं यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे यहाँ पर फैकल्टी खुलती है वैसे ही मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर पाऊँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ये कहने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो आपको करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी हमें मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे हमारी, हमें वो करना चाहिए और हम उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल में जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वही रहने वाला है, कोई चेंज उसमें आया नहीं है। तो उसी सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तैयारी रखिए, अगर कोई चेंज आता है तो मैं पहले ही आपको वेरी वेल इन्फॉर्म कर दूंगा और चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ एडमिशन्स में इस बार बहुत इरेगुलरिटीज रही हैं। उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी अगले साल या फिर इसी साल अब सबक ले इन चीज़ों से, और अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारी आवाज़ जो उनके कानों तक पहुंचे और वो इन सभी इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का फ़ायदा हो और यहाँ पर जो है ये जो हमें मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ना है वो यहाँ पर आपके लिए ना गुजरना पड़े। इसी शुभकामनाओं और ख्वाहिशों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।